आज मैं निखिल भाई के साथ जा रहा हूँ आपको बरेली की काफ़ी फेमस चीज़ें दिखाने के लिए। एक बरेली में आईफिल टावर है और गंगा जी आपको दिखाने वाला हूँ। बरेली में कौन सी गंगा जी बहती हैं, कितना पानी है, बरेली का डैम कैसा है, वो सारा कुछ दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग के अंदर। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बरेली का इकलौता दूरदर्शन टावर है, मतलब पूरी यूपी में ये दूरदर्शन का प्रसारण करता है। इसे आईफिल टावर कह सकते हैं, छोटा मोटा बरेली का, तो काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर लगता है। तो यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ दिखता होगा दूरदर्शन केंद्र। तो यहाँ से लगभग पूरे, मतलब पूरे ऑल इंडिया नहीं कह सकते, मतलब ऑल यूपी में यही दूरदर्शन का प्रसारण होता है। जो कि आप दूरदर्शन देखते हैं, लगभग यूपी में इसी से प्रसारण होता है पूरे। तो ये काफ़ी लंबा है, इसकी अगर ऊंचाई में बताऊं तो लगभग ही होगा 15 से 20 मंजिल का, लगभग उससे भी ज़्यादा होगा। और अगर नीचे से खड़े होकर देखें तो बिल्कुल गर्दन ऊपर करनी पड़ती है आईफिल टावर की तरह। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। भाई गाड़ी में पेट्रोल की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और निखिल भाई पेट्रोल डलाने के लिए आया है, तो अभी ये लाइन में लगाया है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। हवा डालने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, निखिल भाई अकेले ही डट गया है हवा डालने के लिए। तो अभी ये फिक्स कर रहा है नंबर। जो सामने देख रहे हैं वो गंगा नदी पर बनाया गया नया बांध है। अभी इसके पास भी इसके ऊपर जाने वाले हैं हम और गंगा नदी में दिखाने वाले हैं कितना पानी है, कितना साफ है। तो भाई ये काफी पुराना मंदिर है जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, गंगा के किनारे ही है और गंगा के पास में ये बहुत बड़ा मैदान है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे, मतलब जंगल टाइप से बना दिया गया है पूरा। तो काफ़ी सही भी रहता है, इससे काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है पूरे शहर को। तो भाई लोगों आप पीछे देख रहे हैं रोड चल रहा है और हम अंदर खेतों की तरफ बैठे हैं, थोड़ा सा मौसम ठीक हो रहा है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो रोड पे ऐसे काफ़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं और निखिल भाई भी आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब मेरा फ़ोन का जो स्टैंड था मैंने रखा था वो भी गिर गया। और देखिए आप यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, वैसे काफ़ी आनंद भी आ रहा है, मन तो कर रहा है यहाँ पर शाम तक रुकें। और बूंदाबांदी भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बाकी क्या हाल चाल है भाई बरेली के जो कि डैम का। तो भाई वो बारिश आ चुकी है बहुत ज़्यादा तेज़, हमें यहाँ से घूमने के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद ब्लॉग शूट करेंगे, मतलब है तो मोबाइल भी बिक जाएगा, बाकी हमारे पास कोई साधन नहीं है इसे बचाने के लिए। तो थोड़ी देर बाद आते हैं क्योंकि बारिश काफ़ी।
ज़्यादा से भेजा। तो भाई ये बारिश काफ़ी तेज़ आ गई थी तो हम यहाँ पर आ गए थे, मतलब एक मंदिर टाइप का है तो हम यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे। और निखिल भाई भी हमारे साथ हैं, मतलब तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है तो बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हवा भी ठीक ठाक चल रही है, मतलब ठंडा मौसम हो रहा है और बारिश भी हो रही है तो थोड़ा सा अच्छा मौसम लग रहा है। बाकी यहाँ बंदर बंदर काफ़ी हैं तो डर भी लग रहा है। तो बारिश की वजह से यहाँ कुछ गाय माता आ गई हैं हमारे पास में, मतलब जहाँ पे हम मंदिर में रुके हैं तो यहाँ गाय माता भी आ गई हैं तो देखते हैं भाई। तो मतलब काफ़ी शांत हैं, कोई भी मारने का इनका प्लान या मकसद कोई नहीं है। तो बारिश भी काफ़ी झमाझम हो रही है, इस गाय से थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि इसके सींग हैं जो मतलब वो थोड़े से मुड़े हुए हैं, काफ़ी नुकीले हैं तो देखते हैं इसके पास भी जाके। तो काफ़ी शांत है, मतलब ये तीनों लोग मतलब ये पूरी फैमिली लग रही है, एक ज्वाइंट फैमिली, तो काफ़ी शांत लग रहे हैं तीनों। देखिए आप खुद कितनी तेज़ बारिश हो रही है और मतलब यहाँ पर कीचड़ कीचड़ अब शायद बाइक निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि कीचड़ काफ़ी ज़्यादा पहले भी थी और बारिश होने लगी जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कीचड़ बढ़ चुकी है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर कुछ पुराने खंडर हैं, कुछ लोग भी सोए हुए हैं जो कि यहाँ पर गाय भैंस चराते हैं, तो लोग इसके अंदर सोए हुए हैं। बाकी ये पुराना सा एक मंदिर है। तो भाइयों पानी रुक चुका है और हम आ गए हैं डैम की तरफ फिर से, तो थोड़े से सूट यहाँ के लेंगे उसके बाद फिर नाव का देखते हैं नाव वाला घुमाता है या नहीं घुमाता है क्योंकि अभी अभी बारिश हुई है तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और बूंदें अभी तक थोड़ी थोड़ी पड़ रही हैं, लेकिन हमें सूट करना था जल्दी से, उसके बाद फिर घर पर भी लौटना था। तो जल्दी जल्दी यहाँ का देख लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं आगे उस तरफ जो कि गंगा नदी के उस तरफ है, फिर वहाँ पे देखते हैं क्या कैसा होता है, नाव वाले से बात करते हैं। स्लाइड हो गई है, मतलब जो कि यहाँ पे रेत पड़ा था वो बह के नदी में चला गया पूरा। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये दीवार बनी हुई है बहुत ही मतलब बड़ी है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे साइड पे किनारे पे चल रहा हूँ। बाकी हम डैम पे आ चुके हैं, अब देखते हैं क्या कैसा होता है यहाँ पे। वैसे ऊपर जाने के तो परमिशन नहीं है लेकिन जिसका जो रोड है वहाँ पे चलने की परमिशन हो सकती है, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों डैम पे आ सकते हैं, मतलब इन्होंने बोल दिया है, जो यहाँ पे अंकल जी खड़े थे बूढ़े से थोड़े, तो डैम पर आ चुके हैं। डैम काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ से जो सीन है, मतलब फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी बेहतर जगह सी है ये। अगर आपके पास कैमरा उमरा हो तो लेके आ जाना कभी घूमने बरेली जब आओ। बाकी आप यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं कितना लंबा है, मतलब कितना बड़ा है, काफ़ी ऊंचा है। बाकी नीचे का भी मैं अभी दिखा दूंगा आपके लिए। तो ये नीचे जो रिवर देख रहे हैं ये है भाई हमारी गंगा रिवर, जिसे हम काफ़ी पवित्र मानते हैं। तो ये भाई डैम हो गया, इसके नीचे का जो आप देखेंगे तो ये नीचे का पूरा मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े बड़े पिलर्स टाइप के बना दिए गए हैं जैसे पानी मतलब यहाँ से बहेगा। इसके जो गेट्स हैं वो इस साइड पे हैं। तो भाई इसके जो पानी रोकने के लिए गेट्स बनाए गए हैं, इसका आप जो तार देखेंगे मतलब इससे जो जिससे रोका गया है गेट खुलने वाले हैं, तो मशीन तो सारी ऊपर है जिससे खोला और बंद किया जाएगा। बाकी यहाँ से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये पानी बह रहा है। बाकी कंट्रोल रूम उस साइड पे है, मतलब वहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पानी काफ़ी बह रहा है लेकिन अभी थोड़ा कम पानी है, रोका नहीं गया है। जब कभी बाढ़ आ जाती है बाई चांस ना हो ऐसा, अगर आ भी जाती है तो इसके लिए बनाया गया है डैम, बाकी मतलब पूरे बरेली शहर में पानी ना भरे।
बाकी यहाँ की लोकेशन काफ़ी बढ़िया है और बादल भी हो रहा है तो इससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमते हुए। बाकी अब हमारे जो साथ आए हमारे भाई निखिल, अब वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आप देख। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की सबसे पावन नदी है वह गंगा और उसकी हालत कुछ इस प्रकार है। तो मैं आपको हमारे गंगा यहाँ गंगा नदी से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर कैंट लगता है, वहाँ पे कुछ सरकार ने डिसीजन लिए हैं गंगा को साफ रखने के लिए कि वहाँ पर जगह जगह पे टैंक खुदवा दिए उनने फ़िल्टर लगवाने के लिए। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, फ़िल्टर लगवाने के बाद जो सारा कैंट का जो गंदा पानी है, नाले का पानी है, वो सब उस फिल्टर में जाके वो गंगा में छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि हमारी गंगा साफ रहे और सुथरी रहे। इसलिए क्या कहते हैं, हमारा कहना ये है कि हमारी जो गंगा नदी है उसको हम साफ रखें, सुथर रखें बस। तो पुल काफ़ी लंबा है, अभी इसकी लेंथ ख़त्म नहीं है, अभी भी रह गया ये लगभग मेरे अंदाज में 500 मीटर। बाकी थोड़ा सा हम चल भी आए हैं, 200-300 मीटर तो चल आए होंगे। तो निखिल भाई का कहना है आगे नहीं जाते हैं क्योंकि बारिश भी होने लगी है। तो मैं आपको गंगा तो मैंने आपको दिखा दी है, बाकी तो सब कुछ ऐसा ही है। तो मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो रहा है, आप देख सकते हैं आगे बादल। तो अभी बारिश भी काफ़ी तेज़ हुई थी, बारिश के बाद हम आए थे तो बारिश फिर से शुरू होने लगी है। तो थोड़ा सा लग रहा है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि भीग गए तो मतलब यहाँ पर रुकने की कोई जगह नहीं है। हमारे फ़ोन से हैं और हमारे पास जो भी दो तीन मोबाइल फ़ोन है वो सारे भीग जाएंगे, तो सारे ख़राब होने का थोड़ा सा डर है, इसलिए हम वापस चल रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ नाव पे आए थे, नाव खड़ी है भाई, नाव वाला है ही नहीं, तो मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि इतनी दूर से आए थे इतनी उम्मीदों के साथ और नाव वाला ही नहीं है, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो गंगा जी के पास ही है, मतलब गंगा जी पीछे ही है हमारे, पूरी बह रही हैं। तो अगली बार देखते हैं नेक्स्ट टाइम कि नाव वाला मिल जाए तो आपको दिखाते हैं, कभी राफ्टिंग वाफ्टिंग फिर कराएंगे आपको हरिद्वार में कभी ले जाके। यहाँ पे फिर से शुरू हो चुकी है और हमारा दोस्त पारस बारिश में भीग रहा है और बाइक हमारी वहाँ पे खड़ी है और वो हल्के हल्के मेरी तरफ आ रहा है। मैंने उससे कह दिया है कि बारिश हो रही है, यहाँ पे पानी कम आ रहा है, यहाँ पे हम भीग नहीं सकते। जब ब्रिज के नीचे हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में ट्रक है जहाँ पे है ब्रिज बनाने का और यहाँ पे हम भीग नहीं रहे। दोस्तों ये ब्लॉग बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए दोस्तों एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। आप अपने दोस्तों को कोई भी सोशल मीडिया साइट फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर शेयर करो यार, चैनल को दबा के मतलब सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो यार अपने भाई को कि जल्दी जल्दी मतलब उसके 10-5 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाए। अभी तो बहुत ही कम है, मतलब स्टार्ट ही किया है चैनल, तो यार शेयर तो बनता है, बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। बाकी ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहना। तो मैं आपसे ऐसे ही ब्लॉग्स में मिलता रहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।